दोस्तों आपको 16 तारीख को संडे के दिन दोस्तों आपको 16 तारीख को संडे के दिन ठीक है देहरादून के रायपुर थाने के अंतर्गत गढ़वाली कॉलोनी लेन 14 के अंदर डोवाल चौक के इलाके के पास ठीक है रवि बड़ोला हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी होगी, क्योंकि इसकी जानकारी अगर पूरे देश को है तो उत्तराखंड के पूरे लोगों को इसकी जानकारी होगी और इसके प्रति लोगों के अंदर रोष भी होगा। तो हम दोस्तों इस चर्चा के बीच में मंथन करेंगे कि सिचुएशन क्या है, कहानी क्या है, किरदार कौन है और ये क्राइम सीन को घटित होने में किसका अहम योगदान रहा और ये इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हुआ और इसमें किरदार कौन कौन थे और कौन कौन इस टीम के हिस्सा बने जिसकी वजह से ये जो है ये हत्याकांड को अंजाम देना पड़ा और जिसकी वजह से एक परिवार का ठीक है दो परिवार के बच्चे जो है ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे और एक की ऑलरेडी हत्या हो चुकी है जो भगवान को प्यारा हो गए हैं। दोस्तों रवि बड़ोला जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुखद परिस्थिति से निकलने में उनकी हौसला अफजाई करें और जो उनकी मिसेज है और उनके जो बच्चा है ठीक है भगवान यार उनको हिम्मत प्रदान करें, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट समय है। जिस परिवार पे बीतती है उसी को पता होता है कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है। दोस्तों दूर दूर से तो सब कुछ ऐसे ही लगता है दोस्तों, लेकिन उनके दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा, किस तरह से वो अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे होंगे, किस तरह से इस पिक्चर को अपने सामने ला के क्राइम सीन के बारे में मनन कर रहे होंगे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक्स ऑनली सुधर मेजर ओम प्रकाश तिवारी, भारतीय सेना। दोस्तों अभी हम जो इन किरदार के बारे में मंथन करेंगे, मैंने आपको बता दिया ये घटना देहरादून के अंदर कहाँ हुई, संडे की ये घटना थी, रात के 11 या 11:30 बजे के बीच की एक घटना थी। तो इसमें जो क्राइम सीन के अंदर जो मेन किरदार थे उनके किरदार के बारे में पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आपको भी जिनको उनकी जानकारी है तो वो उससे आगे से जो घटना के बारे में हम राय सलाह विचार करेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल मेरा फर्ज बनता है कि उनके बारे में मैं छोटी मोटी जानकारी आपके समक्ष पेश करूँ। जिनको इसके बारे में नॉलेज पता नहीं है तो शायद उनको पता चल जाए और उनको और क्या किस तरीके से इस हिस्ट्री को वो लेते हैं, इस हत्याकांड को लेते हैं, वो मंथन कर सके और वो मनन कर सके कि ये क्या ये ऐसा होना था, क्या ऐसा रुक सकता था या नहीं रुक सकता था। दोस्तों ठीक है, इसमें जो मेन किरदार थे इसमें मैं आपको बताया, एक तो रवि बड़ोला थी जो इस दुनिया में अभी नहीं रहे और उनके जो दो साथी हैं सुभाष छेत्री ठीक है पूर्व पत्रकार और मनोज नेगी, ये तीन किरदार अलग टीम के हैं दोस्तों और बाकी किरदार अलग। इसमें एक अलग टीम का एक अकेला सदस्य है वो है सागर यादव ठीक है, ये अलग सदस्य है। उसके अलावा जो तीसरी टीम है उसके जो मेन किरदार है सोनू भारद्वाज, मोनू भारद्वाज, रामवीर जो एक हिस्ट्री चीटर है और हत्याकांड में पेट्रोल में बाहर आके ठंडी हवा खाने के लिए बाहर आया हुआ था और उसने ही इस कार्य को अंजाम दे दिया ठीक है। उसके बाद हो गया अंकुश, हो गया मनीष, हो गया और योगेश हो गया दोस्तों ठीक है। छः या सात किरदार की ये टीम अलग से है, जिसमें से कुछ लोग गिरफ्तार हो गए ठीक है और कुछ लोगों की तलाश जारी है ठीक है। दोस्तों अब ये घटना हुई कैसे, ये घटना जो है एक गाड़ी के बीच में पूरी हिस्ट्री घूमती है और इस क्राइम सीन का मेन किरदार जिसकी वजह से ये हत्या हो गई और जिसकी अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये हत्या नहीं होनी थी, वो चीज़ आपसे आपस में डिस्कस करेंगे। दोस्तों रवि बड़ोला जी ने जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं उन्होंने अपनी गाड़ी बेचने की सोची, उन्होंने एक इंसान की खोजबीन शुरू करी। जब उन्होंने इंसान की खोज तो उनको पता चला है कि इसमें जो है सागर यादव नाम का एक बंदा है जो गाड़ी की खरीद फरोख्त का काम करता है, गाड़ी को बेचना और गाड़ी को दूसरों को सेल करना इस तरीके के धंधे में वो लिप्त है। तो उन्होंने उससे कॉन्टैक्ट किया सागर यादव से उनको उन्होंने गाड़ी हैंड ओवर कर दी। दोस्तों स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, सागर यादव ने वो गाड़ी ले तो ली लेकिन उसका किया क्या, उसने वो गाड़ी को सीधे ले जाके ठीक है सोनू भारद्वाज जो कि एक मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनना, जो कि एक ऐसा ब्रोकर है कि जो मतलब प्रॉपर्टी को गिरवी रख कर पैसा देने का काम करता है, वो भी चलो उसका अपना धंधा अपना किरदार है, एक रोजी रोटी का साधन है, वो भी एक पॉजिटिव है
और कानून के अंदर आता है कि कोई किसी को पैसे दे के कुछ पैसे जमीन जाए के पैसे रख के, क्योंकि प्रूफ होता है उसके बदले उसको कुछ ब्याज या परसेंटेज लगा के वो लोग पैसा देते हैं। इससे हम लोग भी करते हैं जिससे हमारा काम चलता है। और ये बात कोई इलीगल नहीं है, बिल्कुल सही है। अभी तक मुद्दे में ये चीज़ ये लोग क्राइम के अंदर ये टीम के हिस्से वाले अभी शामिल नहीं है। और सोनू भारद्वाज का इससे ठीक है अपने रवि भटोलासी से अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसको सीधे हुआ है कि भला वो हो गया ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि आकाश ये अपना सॉरी ये जो जो अपना जो मेन जो किरदार सागर यादव ने क्या किया वो गाड़ी लेके ठीक है सोनू भारद्वाज के हैंडओवर कर दी और उससे 3.5 लाख रुपये ले लिए गिरवी के तौर पर ले ली। तो उन्होंने उसके कागज़ पकड़े, उन्होंने देखा यार ये गाड़ी इसके नाम पे फलां ठिकाने के नाम पे है। उसने बोला हुआ कि यार सर मैं बाद में 3.5 लाख को मेरा जब खर्चा पानी चल जाएगा या मेरा जो काम है वो निपटा लूँगा उसके बाद मैं आपको ये पेपर ले जाऊँगा 3.5 लाख और ये गाड़ी की डील करके और ये जो कर दूँगा। उनके आपस में जो स्टोरी सेटल हुई होगी वो बात अलग है। उसने 3.5 लाख रुपये में यह मेन जो विलेन मैं मानता हूँ वो मानता हूँ सागर यादव को। अगर सागर यादव ने अपना दिमाग के अंदर ये कीड़े गंदे कीड़े नहीं भरे होते, उसे दिमाग में शुरू में ये फितूर या लालच नहीं आया होता 3.5 लाख रुपये कलेक्ट करने का, ना तो गाड़ी सोनू भारद्वाज के पास पहुँचती, वो गाड़ी जो खरीदना चाहता उसके पास पहुँच जाती, उससे पैसे कलेक्ट करके ठीक है सागर यादव अपना कमीशन लेता और जो है मेन पैसा जिसकी जरूरत रवि भड़ोला जी को थी तो वो अपना काम करते, जिसकी वजह से उनको अपनी गाड़ी बेचने का सपना देखा था कि गाड़ी बेचूंगा, हो सकता है नई गाड़ी लेना चाह रहे हो सकता है कुछ और जगह वो पैसा लगाना चाह रहे हो। बहुत चीज़ें होती है दोस्तों ज़िंदगी के अंदर, वो उसी बंदे को पता होता जो ये चीज़ें करता है ठीक है। लेकिन इसकी जानकारी परवीन से उसने जो है रवि भड़ोला जी से नहीं ली थी ठीक है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी के पैसे लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो इसी बीच में उनको पता चलता है कि सागर यादव ने काम उल्टा किया है, इसने मेरी गाड़ी बेचने की बजाय 3.5 लाख रुपए कलेक्ट करके ये गाड़ी जो है वहाँ चेप दी है अपना सोनू भारद्वाज को ठीक है। तो वहाँ गए तो उससे भी उनकी तू तो मैं सागर यादव से उनकी जो है तू तो मैं हुई है उनकी सागर यादव। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि संडे के दिन जिस दिन दोस्तों ये क्राइम सीन घटित हुआ है तो संडे के दिन रात के तकरीबन 11:30 बजे ऐसे लोगों के पास जो हिस्ट्री शीटरों के पास जिनका जो पहले से क्राइम क्यूटली नेगेटिव है दो तो रात के वक्त जाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है क्योंकि दुनिया 11:30-11 के बजे लोग सो जाते हैं और उसमें बीच बचाव के लिए और सेफ्टी करने के लिए ऐसे सिचुएशन भी नहीं बनती है और इस समय बहुत गलत था जाने का मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है वो बात आप बताना। हो सकता है वो पैसे की उसमें उनको जरूरत पड़ी होगा अचानक वो वहाँ चले गए, हो सकता है उसकी हिस्ट्री के बारे में उनको पता नहीं होगा, हो सकता है कि उस समय साला किस्मत ही खराब थी कि वो चारों जो हिस्ट्री या गुंडे टाइप के लोग थे राजवीर वगैरह जिसको ऑलरेडी पहले से हत्या का मुकदमा चल रहा है जो परेल में था वो वहाँ होगा करके पता ये सब कहने ये हो सकता कि बीच की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीनों वहाँ चले गए, तीनों नुमाइंदे भी हो गए, रवि भड़ोला जी हो गए, सुभाष छेत्री जो पुत्र प्रकार थे और मनोज नेगी, तीन किरदार जो है ये तीन लोग चले गए उसके घर में। जब उनको पता लगा कि वो गाड़ी कहाँ खड़ी है सोनू भारद्वाज के घर में खड़ी है तो वो लोग वहाँ चले गए ठीक है। तो उनके वहाँ पे सोनू भारद्वाज के वहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ की वहाँ नहीं गए थे, वो जो नाले वाली बगल की जहाँ नाले वाले प्रॉपर्टी या मकान है उस वाले उसमें वो लोग चले गए ठीक है। जब वो लोग वहाँ गए तो उनने जो है वहाँ जाके उन्होंने वहाँ उनसे बातचीत करी होगी यार, हुई था ये कि जो डिस्कस करा होगा, हम अपना आइडिया लगा रहे हैं खाली सट्टे मार के कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ये भी सट्टा लेके आइडिया यही है कि फ्यूचर गाड़ी के बारे में बात करने गए होंगे तो वहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी मांगी होगी कि भाई ये मेरा गाड़ी है, ये मैंने जो है ये गाड़ी जो है उसको जो है सागर यादव को भेजने के लिए दिए भाई और इसने गिरवी रखी है तो या तो आप ये गाड़ी परवान रख लो और मुझको पैसे दे दो। तो उसने बोला होगा यार तेरे को मैं क्यों पैसे दे दूँ भाई, मैं तो 3.5 लाख ऑलरेडी उसको ब्याज में दे रखे हैं, ब्याज का प्लस करके ये पैसा मैं लूँगा भाई फलाना ठिकाना करे, तू तो मैं हुई होगी। और दोस्तों रात के 11:30 बजे ऐसे गुंडे मवाली टाइप के लोगों की तो यार क्राइम सीन के अंदर जो है पार्टी शराब हरा तो चलती है दोस्तों, आपको पता ही है यार बिना शराब के तो ये लोग कहाँ माने ठीक है। इनकी तो ज़िंदगी में जो है शाम हुई नहीं तो भैया इनके लिए तो सपनों में भी शराब हरा भी चमकती है, तो ये लोग कहाँ चले गए, ये लोग अपने शराब हरा पार्टी में मकसूल थे अपना जो इन्जॉय कर रहे होंगे, तो ये लोग भी इनके लिए नॉलेज में ये क्या हो गया कि ये लोग इनके लिए क्या बन गए कबाब की हड्डी। जब गुस्सा बढ़ गया दोनों से तू 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 भयंकर तरीके से हो गई तो वो लोग आपक हो गए। तो उनमें आपको बताया कि हिस्ट्री शीटर जो है रामवीर है ठीक है, इन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी तो ये तीनों जान बचा के भाग गए, दो तो वहीं गिर गए बाहर गिर गए और तो उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, उनके पेट में गोली लगी। लेकिन ये जो रवि भड़ोला जी इनके जो गले में और पेट में गोली लगी
और ये जो है इन्होंने जान बचा के जरा दूर तक दौड़े और जो है बगल में ही जो नाला था उस नाले में 10 फीट नाले के अंदर जाके गिर गए। ठीक है, और उसके बाद उनकी वहाँ पे मृत्यु कब हुई क्या हुई ये सुचन बात की बात है, कोई तड़पे होंगे कुछ ब्लड घिरने से वहाँ भी शरीर में कहीं चोट लगी हो ब्लडिंग ओवर ब्लडिंग हुई होगी जिसकी वजह से वहाँ कोई देख नहीं पाया ना वो हवादार इसका भी तो होगा ब्लड निकलने से वो बेहोश हो गए होंगे तो ऑलरेडी वो चिल्ला भी नहीं पाया कि मैं यहाँ पड़ा हूँ फलाना फलाता हूँ तो वही उनकी मौत हो गई किसी को पता नहीं चला। 7-8 घंटे की सिचुएशन का जब ये एक्शन पे एक्शन हुआ कि यार ये क्या हुआ या लोगों को पता चला उसके बाद जाके हल्ला गुल्ला शुरू हुआ दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन की नाकामी और मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर सिंह धामी जी की खामोशी की वजह से जो है लोगों को रोड पे आना पड़ा, सड़क जाम करनी पड़ी। ठीक है, अपना डोभाल चौक को वो करना पड़ा और भीड़ इकट्ठा हो गई तो भीड़ बेकाबू हुई, उन्होंने जो है उसके घर में तोड़फोड़ करी, शीशे उड़े, दरवाजे तोड़े वगैरह सब कुछ तोड़े। ठीक है, इस वजह से अब ये जब तक कोई जागता नहीं तो जगाने के लिए जनता ने बाहर आना पड़ता है, इसकी वजह से इनके कान में इनके जो जू है ना वो तब रहती है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो इससे पहले अपने में फील करके तो पुष्कर सिंह धामी जी मैं आपकी नॉलेज में एक बार डालता हूँ, ये पूरा परिवार आपका परिवार है, उत्तराखंड निवासी है और आपके सामने अंकिता भंडारी नाम की एक गरीब बिटिया जिसके कुछ अरमान थे वो गई थी वहाँ नौकरी कर रही थी कि अपने एक इज्जत की नौकरी करना चाहती थी और जब उसकी बात नहीं मानी गई सेक्स स्कैंडल के मामले में तो बीजेपी के नेता के लड़के ने गेस्ट हाउस में उसकी हत्या करके उसको जो है नदी में फेंक दिया। ठीक है, और पिक्चर भी कुछ साफ थी लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, जो अगर उसमें सही तरीके से एक्शन हुआ होता उस गेस्ट हाउस को नेस्तनाबूत करने के बाद उसके बाद उसको सही तरीके से सजा दी जाती तो लोग सोचते। ठीक है, और इस कार्रवाई में भी आपने बिल्कुल लापरवाही, बहुत बड़ी आपकी लापरवाही, एक देश का नागरिक होने के नाते मेरा हक बनता है आपसे सवाल पूछने का, अगर सही तरह से पुलिस प्रशासन को एक्शन के लिए बोला होता क्योंकि यहाँ पे क्राइम सीन बिल्कुल साफ था क्लियर था कि बंदे ने जो है यहाँ पे केस हुआ है, यहाँ मर्डर हुआ है, इस घर में उठ रहा है और मुजरिम ये है। उसके बाद अगर आपने एक्शन किया होता उस घर को नेस्ताबूत किया होता तो और परिवार को लोगों पे और गुंडों पे ये डर बैठता अगर हम ऐसा सीन करेंगे तो यार हम तो जाएंगे हमारे परिवार वालों को भी दुख होगा, पार टूटेगा, वो भी बेघर हो जाएंगे, वो भी तड़पेंगे, तो वो लोग इन चीज़ों को करने से अपने को रोकेंगे और इस चीज़ों से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा तो हमने होना नहीं है और ऐसा हमने करना नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्राइम सीन होते हैं दोस्तों। इसमें मेन किरदार जो मैंने आपको बताया था कि सागर यादव मेन किरदार उसी को मानता हूँ, उसने गाली सही तरीके से अगर इंसानियत के नाम पर भेजी होती, हराम की चाटू करते हैं सबको लगी रहती है बहन, जो हराम का पैसा कमाना सब चाहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये किरदारों में इतने लोग टीम में शामिल हो गए और एक प्रकार से स्टोरी बनी और एक बंदे का मर्डर हो गया दोस्तों। ठीक है, बेमतलब एक गाड़ी के चक्कर में साला मर्डर हुआ, क्या गाड़ी बेचती थी कहाँ, गाड़ी के चक्कर में कोई दुश्मनी पुरानी मानता, मैं तो सोच में पड़ गया यार कि ये क्या का तमाशा हुआ कि नॉर्मल चीज़ के लिए ये इतना बड़ा क्राइम सीन खड़ा हो गया है। अभी आके देखो एक्शन पे रिएक्शन क्या होता है, कितने मकान ढहते, दोनों मकान तोड़े जाते हैं, क्या किया जाता है उनके ऊपर, सजा एक्शन क्या होता है, धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाएगी, परिवार का दुख परिवार ही समझता है, उसकी बच्चे को उसकी मिसेज को ठीक है ये दुख के साथ ज़िंदगी भर चलना है। ठीक है, उनके सपोर्ट में कुछ दिन लोग साथ रहेंगे, धीरे धीरे सब लोग चुपचाप जैसी शायद खत्म हुआ धीरे धीरे सब लोग साइड हो जाएंगे, ये कड़वी सच्चाई है और ये हकीकत है, जो होना है अभी हो जाए, उनको सहायता राशि मुआवजा उनके पूरा सपोर्ट किया जाए, उनको सहायता राशि दिलाया जाए और उनके परिवार से किसी एक सदस्य को चाहे उनकी मिसेज को सरकारी नौकरी दी जाए, ये मेरा कहना है, ताकि वो अपनी अलग से एक पहचान बना सके। ठीक है, ये मेरा पुष्कर सिंह धामी जी से एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से अग्निवीर लाके बहुत दुखी हूँ मैं दोस्तों ज़िंदगी में, हाथों के भगवान से यही कह रहा हूँ कि दोबारा ज़िंदगी को कभी मत भेजना भगवान, हम आ गए हैं अभी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है देश के कानून के अंदर थी हुए कानून व्यवस्था को देख के, लोगों की हिम्मत को देख कर किस तरीके से मर्डर के जा रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, मस्त इन्जॉय लेके घूम रहे हैं, खुलेआम हत्याएं हो जा रही है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो दोस्तों फिर तो कोई चलो फिर भी फ़ायदा क्या हुआ इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों पर मर्डर हो जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी मर्डर हुआ है, एक कहते हैं एक जो है एक मिनी बस ने छोटी वाली जो गाड़ी आती है मिनी बस, ठीक है, उसके ड्राइवर ने पीछे से गलती से जो है आगे वाले के कहते हैं कार को ठोक दिया, उसकी हेडलाइट टूट गई गुरुग्राम के अंदर, हेडलाइट के बदले उन्होंने उसकी जान ले ली, सिर्फ 350 की हेडलाइट की कीमत
जान की कीमत है दोस्तों, लगा लो उसकी वजह से लोग, और हिजड़े टाइप के लोग पूरा तमाज में साले, और चार लोग उसको मारते रहे, लेकिन उन्होंने किसी ने भी आगे आके सब हराम के पिल्ले वीडियो बनाते रहे। ये हम लोग मर्द, ठीक है, तो जान की दोस्तों कोई कीमत नहीं है, कोई बचाने नहीं आएगा, सब वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, और सब सालों को पैसा कमाने की भूख है, ठीक है, हम उनमें से नहीं है दोस्तों, हम जो सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं, और इसमें डरना मना है, ठीक है। सेना के चीते हैं बेखौफ जीते हैं। अब इस दोस्तों इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप किस तरीके से इसको लेते हैं कि अंकिता भंडारी केस में आपको न्याय मिला? हम चुप हो जाते हैं यार, जवाब मांगना पड़ता है, अगर हम चुप रहेंगे तो, अगर सरदार भगत सिंह, वीर अब्दुल, ये लोग, अगर ये सरदार भगत सिंह अगर ये चुप रहते ना, चंद्रशेखर आज़ाद लोग, तो क्या ये देश को आज़ादी मिलती? महात्मा गांधी ऐसे लोग, ठीक है, तो आज़ादी नहीं मिलती मेरे भाई, ये क्रांतिकारी लोगों ने जलवा किया, तब जाके हम लोग आज़ादी में से इनकी सांस ले रहे हैं, समझ गए। और दूसरी बात, इसमें एक पॉइंट और जोर देना चाहता हूँ कि सोनू भारद्वाज, मोनू भारद्वाज के घर में जो है ना चिड़िया और डोगों का जमड़, एक पत्रकार को मैंने वहाँ देखा, ठीक है, उसको देख के मुझे ऐसा लगा यार ये भी ऐसी गया, वहाँ जाके गया, उसने दरवाज़ा खोला है, वहाँ उतरने के अंदर एक पत्रकार गया था उसके अंदर, बोला इसके अंदर कुत्ते हैं, इसके अंदर कुत्ते हैं, दूसरे घर में गया था, इसके अंदर कुत्ते हैं, फलाना है करके, वहाँ दो नौकर ऑलरेडी छूटे हुए हैं, लेकिन यार कम से कम उसका एक मैसेज देना चाहिए था उसको इस बारे में, बिल्कुल प्राणियों के प्रति मुझे लगता है कि उसके दिल में कोई जगह है। जैसे ही मैंने वो पॉइंट पकड़ा, जैसे उसने दरवाज़ा खोला है, कुत्ते भौंके, मैं समझ गया, मैंने कुछ बोलेगा कि इनके बारे में, तो दोस्तों उसके अंदर जितनी भी चिड़ियाएँ हैं, उस घर के अंदर जितनी भी चिड़िया उसने कलेक्ट करके रखी है, दोस्तों मेरा आग्रह है वहाँ की उत्तराखंड की पुलिस से, उनको पूरों को उड़ा दिया जाए, और जो डॉग है ना उनको जो है किसी को जो है अडॉप्ट करा दिया जाए, या उनके खाने पीने की पक्का व्यवस्था देखी जाए, ये नहीं कि इस केस के चक्कर में उन लोगों की भी जान चली जाए भूख के मारे और प्यास के मारे। गर्मी इतनी तेज़ हो रही है, ये उन चिड़ियाओं को तत्काल, जितनी भी चिड़िया वहाँ रखे गए तत्काल उनको उड़ा दिया जाए, और उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जाए, उनको सही जगह पर अगर कोई माली अडॉप्ट करता, कोई लोग अडॉप्ट करते हैं एनिमल लवर, तो उनको दे दिया जाए, ठीक है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ, और दोस्तों आप लोग क्या समझते हो और क्या चाहते हो ये बताना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।